पब्लिक की जो अपने भाइयों ने छोटे छोटे उनको अपने को दिखाना है तगड़ी दिली इतनी हुआ भाई तो हेलो गाइस, दिस इज रोहित एंड वेलकम बैक टू द रोहित रैंडम। सो गाइस, आज का वेदर आपको देखकर यूं ही लग रहा होगा कि ये वीडियो हमने मॉनसून में शूट कर रखा था और अभी हम अपलोड कर रहे हैं, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे इंदौर वाले व्यूवर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कल बहुत ही तगड़ी वाली बारिश हुई इंदौर में, और गाइस ऑलमोस्ट 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी और बहुत तगड़ी वाली बारिश हुई, जगह जगह पे पानी भर चुका है। और बाकी अभी गाइस आप देख ही सकते हो, अभी भी आपको रोड बिल्कुल गीला सा लग रहा है। मुश्किल से 10 मिनट पहले ही बारिश बंद हुई है, आप बाइक भी देख सकते हो जगह जगह से गीली हो रखी है, पानी के छींटे दिख रहे हैं आपको। और गाइस मेरे पास वीडियो का बिल्कुल भी बैकअप नहीं था, इसलिए अभी हम निकले हैं शूट करने के लिए। और पहले तो मेरा अकेले का ही मूड था, मैंने सोचा आज एक सोलो राइड मारता हूँ कहीं की और छोटा सा रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन गाइस सीन कुछ ऐसा हो रखा, मैंने नीरज भाई को कॉल किया तो नीरज भाई ने पहले उसकी प्रॉब्लम के लिए रोने लगा, और फिर उसके बाद मैंने कहा पहले काम करते हैं, शूट कर लेते हैं, फिर नीरज की जो प्रॉब्लम है उसे भी सोल्व आउट करते हैं। इसलिए गाइस मैंने नीरज को कॉल किया है, नीरज भाई भी आ रहा है और आई थिंक शायद पीछे ही आ गया है, वो भी उसका कॉल आया था अभी। तो गाइस अभी तो हम जा रहे हैं हमारे ड्रैग ट्रैक पे, और आज आप देख सकते हो कि रोड बहुत ही गीला सा हो रखा है, तो ड्रैग वगैरह का भी कोई सीन तो बन नहीं सकता। हम ड्रैग में किस तरीके से बाइक भगाते हैं, और यदि बाइक स्लिप हो गई तो गाइस आपको भी पता है फालतू में कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो इसलिए आज ड्रैग वगैरह का कोई सीन नहीं है और सिटी राइड वगैरह भी मारने का कोई सीन नहीं है, क्योंकि गाइस आपको पता है कि जब फिर 4-5 राइडर एक साथ चलते हैं और जहां ट्रैफिक दिखता है तो फिर वो रश ड्राइविंग स्टार्ट हो जाती है, फिर रश ड्राइविंग में इधर उधर से भगाना, कट पिट मारना, तो आप लोगों को पता ही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रैश हो ही जाएगा। और बाकी तो क्रैश की एक मैं बहुत बढ़िया वाली न्यूज़ देने वाला हूँ आप लोगों को, तो वो गाइस मैं वीडियो में आपको आगे बताता हूँ। तो अभी तो हम आ चुके हैं हमारे ड्रैग पे, और गाइस अब मैं आपको डायरेक्ट ड्रैग ट्रैक पर ही मिलता हूँ, क्योंकि मैं हमारा जो ड्रैग लोकेशन है वो वीडियो में नहीं बताना चाहता, क्योंकि गाइस इंदौर में बहुत सारे राइडर्स हैं और मेरे को काफ़ी लोगों के इंस्टा भी आ चुके हैं, काफ़ी लोगों ने DM कर रखा है इंस्टा पे कि भाई तुम्हारी लोकेशन कहाँ है बताओ। तो गाइस यदि कल से लोगों को पता चला तो लोग फिर वहाँ आके अपना अपना सीन जमाएंगे, और फिर गाइस फिर हम लोगों को नई प्रॉब्लम होगी, और कल से गाइस कोई छपरी आके वहाँ कुछ नई हरकत करता है तो वहाँ के जितने भी लोकल से गाइस वो फिर हमारे माथे आएंगे और हमको भी शूट करने में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए गाइस चलिए अब मैं सीधे आपसे मिलता हूँ हमारे ड्रैग ट्रैक पे, और बाकी की बातें वहीं करते हैं। मुझे तो लग रहा है मीटर उड़ चुका है भाई का पूरा। भाई क्या दिक्कत हो गई यार, मैं क्या बताऊं आपको। ओ भाई क्या हो रहा है इधर, सब कुछ जीवन के दुख। तो गाइस आप देख सकते हो भाई ने कल स्टॉप ही मारने में पूरा मीटर तोड़ चुका है, और चल रहा है कि नहीं मीटर? मीटर तो वर्क कर रहा है, बट ये ओ भाई साहब क्या सिस्टम करना पड़ गया यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ स्क्रेचेस वगैरह आ रखे हैं। अब भाई का मेरे पास कल कॉल आया था, वैसे गाइस मैं काफी ज्यादा बिजी था तो इसलिए मैं आ नहीं पाया कल भाई के साथ शूट करने, तो दोनों भाई आए थे और मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई ने आई थिंक के रजिस्टर कूलेंट भी गिर गया। और बाप रे ये कूलेंट गिर गया, तो ये खुल गया था क्या? खुल गया, ये ढक्कन कूलेंट गिर गया, कूलेंट भी डलवाना पड़ेगा, उसके बाद में इधर भी चला गई ये गाड़ी यहाँ पे, और ये ब्रेक दब ही नहीं रहा है। अरे बाप रे ये ब्रेक वर्क ही नहीं कर रहा है, ये साथ से इसमें एयर एयर बन गई है, इधर से कुछ हुआ है, तो ये तो भाई शोरूम पे से ही कराना पड़ेगी। और गाइस यहाँ से भी भाई ने देखो ये पाइप भी बेंड कर दिया है। ओह तुमको चोट आई? चोट आई इधर लगी हुई है।
तो गाइज आप देख सकते हो कि भाई मोटो व्लॉगिंग में भी कितना ज़्यादा स्ट्रगल है। और जैसा मैंने आपको बताया था, आई होप आपने हमारी लास्ट वीडियो में चेक किया ही होगा, हमने ड्यूक 200 की आरसी 125 से ड्रैग की थी और इसमें हमने एक पिलियन बिठाने की कोशिश की थी और बहुत तगड़ा वाला मज़ा आया था उस ड्रैग में। लेकिन गाइज कल मैं थोड़ा सा बिजी था और भाई के साथ शूट करने नहीं आ पाया, तो भाई ने सोचा क्यों ना अकेले करते हैं कुछ। और दोनों भाई आए थे और भाई ने इससे थोड़ी वीली वगैरह मारने की कोशिश की। अब भाई वीली में तो नहीं गिरा, लेकिन स्टॉप ही में भाई ने पूरी गाड़ी पलटा दी। मैं भाई से वीडियो लेकर ज़रूर डालूंगा और आपको बताऊंगा कि भाई किस तरीके से गिरा था। वैसे भाई का सामने का कुछ शूट नहीं था, लेकिन भाई का जो कैमरा लगा हुआ था, जो उसके हेलमेट में गोप्रो, जैसे कि स्टॉप ही मारी पूरी गाड़ी 30 की स्पीड तक थी और गाड़ी ऐसा हुआ, मैं ऐसा गिरा, गाड़ी मेरे ऊपर आके ऐसी गिर गई, पूरी गिर गई। तो गाइज आप देख सकते हो भाई, मतलब कुल मिला के भाई गाड़ी के नीचे दब चुका था। और गाइज यहाँ से मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे शायद इसका हैंडल का अलाइनमेंट भी कुछ टेढ़ा बाका हो चुका है, ये इसके कारण ऐसा लग रहा है ये। तो गाइज या तो अब वहीं जाके हमें चेक कराना होगा कि या तो हैंडल का अलाइनमेंट बिगड़ चुका है, या तो गाइज मुझे ये लग रहा है कि ये जिस कवर में फिट हो रखी है ये कवर टूट गया है, तो शायद इस वजह से, ये प्लेट की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। और बाकी गाइज अभी आप देख ही सकते हो भाई ने स्टिकर वगैरह भी नहीं निकाले थे। लेकिन गाइज देखो, ये तो गाड़ियाँ हैं, रोड पर चलेगी तो गिरेगी और टूटेगी, और आपको पता है कि हमारा काम कैसा है, तो हमारे काम में ये सारी चीज़ें तो होना ही है। और गाइज अभी देख लो आप, 888 चली है सिर्फ गाड़ी, और अभी 1000 रुपये भाई की सर्विसिंग होने वाली थी। लेकिन गाइज बड़ा बुरा सा लगता है, एक बंदा इतनी मेहनत लगा के एक बाइक परचेस करता है और अपनी ड्रीम बाइक परचेस करना और उसके साथ ऐसा होना। और गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी गाड़ी गिराओगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब दूसरे की गाड़ी गिरती है, बाइक के पास भी 250 है, आप देख सकते हो कि बाइक के पास भी ट्यूब 250 है, लेकिन गाइस वो एक नई बाइक चलाने का जो फील होता है ना, वो कुछ तगड़ा वाला ही होता है। और गाइस ये मुझे भी काफ़ी कहते हैं कि भाई इससे वीली मारो, ये करो वो करो, क्योंकि मेरी 125 में मैंने आपको दिखाया ही वीडियो में, आपने चेक किया ही ना, तो उसे वीली उठती है ना ही इसमें बिल्कुल भी पिकअप है। लेकिन गाइस ये एक बड़ा सा नुकसान हो चुका है, और वैसे इतना ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे मीटर भी टूट सकता था और मीटर भी जा सकता था और शायद उसमें बहुत ही बड़ा खर्चा आता। और यदि गाइस मीटर नहीं भी जाता तो आप देख सकते हो कि हेडलाइट जो बिल्कुल ब्रांड न्यू है और इसमें कितनी तगड़ी वाली हेडलाइट आने लगी है। गाइस यदि ये गिरती और ये टूटती तो फिर तो और मोटा खर्चा होता, लेकिन कहीं ना कहीं शायद भाई ने कवर करने की कोशिश की और ना तो भाई को चोट आई और ना ही बाइक में ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन मुझे ये बहुत चीज़ एक ऐसी लगी कि यार इस तरीके से बाइक यहाँ से कैसे गिरी और ये कैसे टूटा। और गाइज इसमें सबसे प्लस पॉइंट हमारे साथ ये हुआ कि इसका मीटर नहीं टूटा, यदि मीटर जाता तो भाई को एक लंबा खर्चा करना पड़ता। तो गाइज जहाँ तक मेरा ऐसा सोचना है, मैंने शोरूम भी कॉल किया था तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बाइक ला सकते हो, देख लेंगे वो जो भी प्रॉब्लम है, तो देखते हैं। गाइज जहाँ तक मुझे लगता है तो शायद यही कवर चेंज कराना है, और हो सका तो हम ये कवर चेंज कराते हैं, और ये कवर चेंज कराने के बाद एज इट इज़ जैसी पहले थी बाइक शायद वैसी हो जाएगी, और आई होप इसमें आगे कुछ और प्रॉब्लम ना आए। जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ शायद ये कवर चेंज हो जाएगा तो हमारा मीटर भी ठीक से लग जाएगा। तो चलिए गाइस अब देखते हैं और कुछ जमाते हैं कैसेट और मिलते हैं अब सीधा आपसे शोरूम पे, और शोरूम वाला जो भी कहता है सर्विस में जाके बात करते हैं और जो भी इसमें खर्चा आता है और जो भी चीज़ निकलती है वो आपको बताते हैं। सो गाइस आ चुके हैं हम KTM के शोरूम, जो कि है हमारे विजयनगर स्क्वायर पे, और अब देखते हैं गाइस, चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है और भाई कितना लंबा खर्चा बताता है। वैसे भाई को मैंने मार्केट में ही कराने का सजेस्ट करा था, लेकिन भाई माने जब, तो अब देखते हैं कि गाइस क्या प्रॉब्लम होती है और भाई कितना पैसा लेते हैं और भाई को क्या टोपा बैठता है। क्योंकि गाइस मैंने भाई को बोला कि तू भाई आफ्टर मार्केट करा ले, लेकिन भाई माना नहीं। तो आप चेक कर लो, आला पार्ट हो तो अभी खड़ी कर देते, फर्स्ट सर्विस भी कर देना। तो गाइज आपने चेक किया ही, एक तो गाइज आपको पता है अभी KTM में कितना बड़ा इशू चल रहा है, जो ड्यूक 390 का इंजन सीज हो रखा है, तो आपको पता है कि उसमें कितना बड़ा इशू चल रहा है अभी यूट्यूब पे। तो इसलिए भाई कैमरे देख के पहले ही घबरा जाते हैं। अब देखते हैं कि गाइज क्या होता है, भाई चेक तो करने गया है, भाई ने बोला है कि ये आउट ऑफ स्टॉक है। अब देखते हैं यदि भाई के पास होता है तो करा लेंगे, भाई ने 1000 रुपये तक खर्चा बताया है और बाकी बोला है कि खोलने पर चेक होगा।
तो गाइस मैंने सोचा कि भाई को एक सजेस्ट ये करा कि क्यों ना तू फर्स्ट सर्विस भी करा ही ले। तो देखते गाइस यदि भाई के पास ये अवेलेबल हुआ तो हम फर्स्ट सर्विस भी करा ही लेंगे। ऑलमोस्ट 880 तक तो चली चुकी है बाइक, तो देखते हैं गाइस भाई क्या जवाब देता है। तो गाइस निकल चुके हैं हम शोरूम से और शोरूम वालों ने तो हाथ ऊपर कर दिए हैं कि हमें जो फ्रेम चाहिए थी, हमारा स्पीडोमीटर जिस फ्रेम पे लगा हुआ है वो फ्रेम डैमेज हुई है और हमें सिर्फ वही फ्रेम चाहिए थी। तो शोरूम वालों का कहना है कि फ्रेम उनके पास अवेलेबल नहीं है, फ्रेम आउट ऑफ स्टॉक है। तो गाइस और एक ये नई चीज़ भी है कि गाइस फ्रेम आ रही है सिर्फ 300 रुपये की और भाई ऑन सर्विस चार्ज ले रहे हैं हमसे 700 रुपये। तो गाइस ये एक बहुत मोटा वाला खर्चा हो रखा है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना भाई को आफ्टर मार्केट ही काम करवा दूं बाइक का। तो इसलिए गाइस हम आफ्टर मार्केट निकले हैं और अब हम सोच रहे हैं कि हमारे इंदौर का जो मार्केट है बाइक्स वगैरह का, जहां सारे पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं, तो भाइयों के साथ में वहां जा रहा हूं और देखते हैं गाइस वहां से फ्रेम लेने की कोशिश करते हैं और वहां से भाई को थोड़ा सस्ते में भी काम हो जाएगा। तो देखते हैं गाइस वहां पर भी अवेलेबल रहता है या नहीं। और बाकी मैंने पूछा था भाई से, जो शोरूम वाला बंदा था सर्विस में, उससे पूछा तो उसने कहा मुझसे कि आज हम ऑर्डर देते हैं तो ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन बाद आएगा उनके स्टॉक में वो फ्रेम। तो गाइस ये तो एक बहुत ही बड़ी नादानी हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना भाई को आफ्टर मार्केट ही करवा देता हूँ। दोनों भाइयों के मुंह उतर रखे। और गाइस ऑब्वियसली यार आप भी एक न्यू बाइक खरीदते हो, आपकी ड्रीम बाइक खरीदते हो और जैसे तैसे करके पैसा जोड़ के वो बाइक लेते हो और फिर किसी दूसरे के हाथ आपकी बाइक डैमेज हो जाना और या तो आपके हाथ से किसी भाई की बाइक डैमेज हो जाना तो काफ़ी ज़्यादा बुरा सा लगता है। तो इसलिए गाइस मैं आज ऑफिस भी थोड़ा सा लेट चला जाऊँगा और मैंने सोचा कि क्यों ना आज भाइयों को काम करवा के दे दूँ, क्योंकि हमारे दोनों भाई बाहर के हैं, दोनों शायद हरदा होशंगाबाद साइड के हैं, तो भाइयों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो इसलिए चलिए गाइस अब फटाफट मैं जाता हूँ और भाई को आफ्टर मार्केट करवा देता हूँ काम। तो गाइस जैसा भी रहता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा कि हमने आफ्टर मार्केट कराया या हमारे इंदौर में KTM का एक खजराने पर भी शोरूम है वहाँ से कराया। तो गाइस जो भी सीन रहता है, हमने जहाँ से भी बाइक रिपेयर कराई, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा और कितने चार्जेस लगे, हमें कितना खर्चा आया इस काम में, तो वो भी बता दूंगा। चलिए गाइस इस वीडियो को भी एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। To be the greatest, everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me.